पहला जो रूल होता है वो कोई ज्ञान देने के लिए या कोई मैसेज देने के लिए नहीं होता है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से फिल्म का सबसे पहला माध्यम होना चाहिए इंटरटेनमेंट, और ये फुल ऑफ इंटरटेनमेंट है। और इसका जो सबसे अच्छा लगा वो है मुझे म्यूजिक, और सेकंड के एक्चुअली अक्षय सर ने जो भी जितनी भी मूवी करते हैं सब में उनका एक पर्टिकुलर एक कैरेक्टर होता है, लेकिन रियल लाइफ में जो वो सुपरस्टार है वही कैरेक्टर उनका इस लाइफ में है, इस सॉरी मूवी में है, एंड ही इज रियल सुपरस्टार। जी एक्चुअली इमरान सर तो इतने फाइनेस्ट एक्टर है कि उन्हें जिस भी कैरेक्टर पे ढाल दो वो अपना 100% देते हैं, और अक्षय सर और इमरान सर की जो केमिस्ट्री है बहुत अच्छी है। और इस मूवी का जो सबसे अच्छा मुझे लगा वो है म्यूजिक, म्यूजिक बहुत अच्छा है, सॉन्ग बहुत अच्छा है, एडिटिंग और डायरेक्शन एक्टिंग कॉन्सेप्ट सब कुछ ओवरऑल बहुत अच्छा है, और सबसे ज्यादा अच्छा अच्छा लगा मुझे वो सुपरस्टार अक्षय सर एंड सेकंड म्यूजिक। एग्जैक्टली प्रॉपर अक्षय कुमार फिल्म है, और मैं तो अक्षय कुमार की वैसे ही फैन हूँ, और ये फिल्म देख के और फैन हूँ। इमरान हाशमी इज ऑल्सो गुड, वो तो मतलब उन्होंने बहुत प्यारा कैरेक्टर किया, बट अक्षय कुमार के फैन और डायरेक्शन इज गुड जो उन्होंने दिखाना चाह रहे थे, एक फैन और एक स्टार की केमिस्ट्री उन्होंने बहुत अच्छे से दिखाई है। सबसे बेस्ट सॉन्ग कौन सा था, फर्स्ट और सेकंड? एक्चुअली दोनों ही बेटर थे, दोनों ही बेस्ट थे। क्लाइमेक्स कैसा था? क्लाइमेक्स बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। कोई ऐसी बात जो काफी अच्छी लगी? अक्षय कुमार का जो नेचर दिखाया, हम्बल नेचर, और उनका मतलब एज एन एक्टर जो उनका बिहेवियर उसमें बताने की कोशिश की वो बहुत प्यारा दिखाया। 5 out of 5 थोड़ा बहुत लिया है सीन में, बाकी आपको पता चलेगा कि ना रियल में फिल्मों में क्या होता है, लाइक क्या जो आप मूवी देखते हो उसके बैक स्टेज में क्या होता है, बैक शूटिंग कैसे होता है, तो ये रियलिटी है। तो पब्लिक सोचती है कि मूवी बन गई, मूवी नहीं देखते, नहीं उनको बॉयकॉट करते हैं। एक फिल्म के पीछे बहुत मेहनत लगती है, बहुत लोग काम करते हैं, 500 लोगों का पेट भरता है, तो ये नहीं है कि आप हाँ सबकी पसंद होती है मत देखो, लेकिन एटलीस्ट इतना देखो कि ना जो प्रोड्यूसर जो भी उनका खर्चा निकल जाए, लाइक अगर 50 करोड़ 60-70 करोड़ का निकले। मूवी ऐसी नहीं है, कभी भी एक फिल्म के पीछे बहुत लोग होते हैं और बहुत लोगों की मेहनत, ये नहीं होता कि वो कुछ भी बना देंगे, ऐसा कभी नहीं होता, कुछ भी बना देते हैं। कुछ एड्स आप देख सकते हैं कि वो कुछ भी बना देते हैं, वो नहीं बोल रहा मैं, लेकिन एक फिल्म के पीछे बहुत लोग बैठते हैं, बहुत काम करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि है ना मूवी कुछ भी बन सकती है, तो आपका पैसा कभी वेस्ट नहीं होगा, फिल्म देखेंगे आपका पैसा कभी वेस्ट नहीं होगा। मैं खिलाड़ी तू अनारी, सो मैं सच बोलूंगा कि है ना इमरान सर ने बहुत अच्छा काम किया, अक्षय कुमार सब वही देखने से चाह रहे, लेकिन हाँ लोगों को ये देखने में मजा आएगा कि कैसे रियलिटी में अक्षय कुमार से एज एन एक्टर स्टार कैसे रहते हैं, वो मजा आएगा। और इमरान सैनी बहुत अच्छा है कि, और रीमेक का आप कह रहे हैं, मैं नाचूं उससे, मैं नाचूं हॉल में नाचूं, लेकिन बुरी बात ये थी कि पब्लिक नहीं थी और कुछ लोग फालतू के कमेंट्स कर रहे थे, क्योंकि उन लोगों का काम होता है, उन लोगों का ऐसे फालतू का माहौल बनाने का काम होता है कि मूवी को फ्लॉप करते हैं, लेकिन मूवी अच्छी थी। अब लोग मूवी देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ वी सीरीज बहुत अच्छी मूवी है, बस मैं चाहता हूँ कि मूवी कम से कम 200-300 करोड़ कमाए। मैं 5 में से 4 स्टार दूंगा। देखो सर हर चीज में थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ होता है, तो वो नहीं, कोई पूरा परफेक्ट नहीं होता, तो देखिए मूवी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।